ये जो आप कूलर देख रहे हैं ये केन स्टार का DLX डिटेल कूलर DX है। इसका हमने ब्लोअर फैन निकाल के इसे अल्टरनेट किया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखो इसका बैक साइड भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये फैन हमने अल्टर किया हुआ है इसको। ये जो फैन देख रहे हैं आप, तो एग्जस्ट फैन वजह की वजह से इसकी मोटर बैक साइड में आती है। ये एग्जस्ट फैन की मोटर है। इसका जो ब्लावर था ये ऐसा घूमता था, तो इसे हमने निकाल दिया। उसका हवा कम आता था, एयर फ्लो कम था। और ये जो टब देख रहे हैं आप, ये अपने कपड़े धोने का टब था। इसे हमने यूज में लाया है। ये देखो कटिंग करके पकड़े हुआ। इसे हमने देखो कैसे बिठाया, उसको स्क्रू लगा के हमने लकड़ी से फिट कर दिया है। और इसमें पानी का सिस्टम भी अलग कर दिया है। ये साइड से लिया हुआ है पानी इसका, क्योंकि सेंटर में फैन को दिक्कत आती थी घूमने में, तो हमने इसका सेंटर से फ्लॉप बंद करके अभी ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये पन्नी लगाई हुई है। डैम में जैसे अपन ऊपर से पानी छोड़ते हैं, तो उसका घिसरते हुए पानी ऐसे नीचे घिसरता हुआ पानी निकला उसमें। तो पानी डालते हुए कैसा, इसमें जो नाइट में हम कूलर चलाते हैं, तो इसका वाटर का शोर बहुत होता है। तो अब देखेंगे, डायरेक्टली डालता हूँ तो शोर नहीं होता। इससे क्या होता है, हमने जो डाले हुआ पानी है वो ढलान से नीचे चले जाता है। इससे आवाज़ नहीं होता है, पानी का जो शोर होता है वो नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हनीकॉम पैड लगे हुआ है, इसका पानी इस पे डाल के इससे इसका पानी का जो शोर है वो कम हो जाएगा। ऐसे ढलान पे रखना है आपको, तो इससे उसका फिर यह पन्नी लगाना है आपको पानी से गिरे ना। और अब इसे हम फिट कर देते हैं। इसी तरह से इसको हमने अल्टर किया हुआ है। ये केन स्टार का DLX कूलर था। इसे हमने ब्लोअर फैन निकाल के ये फैन अल्टर कर दिया है, तो इसकी हवा काफ़ी बढ़िया आ रही है दोस्तों। और हमने वाटर का सिस्टम बनाया हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉक कम ज़्यादा करता है पानी को। इसे सीधा कर दिया तो ज़्यादा ओवर फ्लो पानी निकलता है, पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। और इसे हम कम भी कर सकते हैं नाइट में। इसे थोड़ा कम कर दिया तो हनी कम पैड भी कम प्रमाण कम पावर में पानी एग्जॉस्ट होता है। तो अब भी अल्टरनेट में इंटरेस्ट रखते तो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।